लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैसे हो गया, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा। एक महीने पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट पर हम लोग घंटे बातें किए और पिताजी के बारे में भी बातचीत हुई। उस समय तक इनके बारे में पता नहीं था कि इनका कोई ऐसी बीमारी है और अचानक इनका निधन हो जाएगा। अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा है। वही उन्होंने सुशील मोदी के बारे में कहा कि वह एक ऐसे राजनीतिक जानकार व्यक्ति थे जो किसी भी विषय पर बोलने के पहले उसका अध्ययन कर लिया करते थे। उनका हर विषय की पूरी जानकारी होती थी। विपक्ष के रूप में भी अगर विरोधी दल पर किसी विषय पर बात करना होता था या उनकी टीका टिप्पणी करनी होती थी तो उस विषय पर पहले वो पूरी जानकारी रखते थे, उसके बाद ही वो कुछ बोलते थे। वही उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहे जाने पर कि प्रधानमंत्री ने ही चिराग पासवान के बंगले को खाली करवाया, उनको बेघर किया, इस बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जो नेता है वो दलगर राजनीति से हटकर निजी बातों को बोलते हैं। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, जब मेरे पिताजी को निधन हुआ था तो उन्होंने काफी प्रशंसनीय बात की थी जो कि एक नेता के रूप में ना देखकर परिवार के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन आज के युवा नेता जो भी कहते हैं उनको कम से कम यह सोचना चाहिए कि वो किस विषय पर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे पिताजी जब राजनीति में थे उस समय भी उन पर ध्यान देते थे और जब बीमार पड़ गए तब वह अस्पताल में भी मेरे पिताजी के बारे में बार बार फोन करके जानकारी लेने का काम किया करते थे। मरने के बाद पिताजी के बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ही फोन करके जानकारी ली। अंतिम संस्कार के समय भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही उन्हें राज्य में सर्वोच्च सम्मान देते हुए अंतिम विदाई की गई, सलामी दी गई। जो लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं उनको सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज UNI। अब देखिएगा हाजीपुर में जिस तरीके का एक जन सैलाब देखने को मिला और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, उनके तमाम वो शब्द जिन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया, कल जिस तरीके से उन्होंने मेरी छोटी छोटी बातों तक का जिक्र किया कि कैसे 2014 से वो इस बात को देखते थे कि मैं पार्लियामेंट में को कितनी गंभीरता से मैं लेता हूँ, उनकी ये तमाम बातें और उनकी ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती हैं, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। सीएम कल तेजस्वी यादव ने कहा है सर, प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे रामविलास पासवान को लेकर के, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब ड्रामा अब करके कोई फायदा नहीं होगा, रामविलास पासवान की पार्टी जो आज वजूद में नहीं है उसको पीछे नरेंद्र मोदी ने वजूद उसका खत्म किया। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधनों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर, और मेरे नेता ने भी आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्यों? क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधनों को निभाया गया है जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का कि ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती हैं, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। सीएम कल तेजस्वी यादव ने कहा है सर, प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे रामविलास पासवान को लेकर के, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब ड्रामा अब करके कोई फायदा नहीं होगा, रामविलास पासवान की पार्टी जो आज वजूद में नहीं है उसको पीछे नरेंद्र मोदी ने वजूद उसका खत्म किया। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधनों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते
जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं। मैं श्रेय मैं ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर, और मेरे नेता ने भी, आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्यों? क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधनों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का हर मन से 2020 के विधानसभा के चुनाव हों, क्योंकि वो पहला विधानसभा का चुनाव था मेरे पिता के जाने के बाद, पहली सभा में, अगर मुझे ठीक से याद है तो सासाराम की उनकी वो पहली सभा थी, वहाँ से उन्होंने मेरे पिता को याद किया। हर मन से मेरे पिता को वो याद करने का काम करते हैं, और सिर्फ याद ही नहीं किया, मेरे प्रधानमंत्री जी उस वक्त खड़े रहे थे जब मेरे पिता अस्पताल में थे, दिन रात फ़ोन कर कर जानकारी लेना। उनका निधन हुआ, सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्तियों में से मेरे प्रधानमंत्री थे, और जिस तरीके से उनके इलाज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सम्मान देकर, जिस तरीके से उनका मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया उन्होंने करवाई, जिस तरीके से उनके जाने के बाद पद्म भूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया, ये वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा निभाया मेरे पिता के साथ। पर ये भावना को वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए हर रिश्ता सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही जुड़ा रहता है।